नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। बैसाखी कब है और क्यों मनाते हैं बैसाखी का त्योहार? बैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में जिस तरह होली एवं दीपावली का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह सिख लोगों के लिए बैसाखी का त्योहार खास होता है। देश के अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे बंगाल में नया वर्ष, केरल में पुरम विशु, असम में बिहू। इन नामों से लोग इस पर्व को मनाते हैं। बैसाखी को सिख समुदाय के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। बैसाखी का अर्थ बैसाख माह का त्योहार है। बैसाखी का पर्व हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन ही ग्रहों के राजा सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं, जिसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी के दिन सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सिख धर्म की 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल सन 1699 में आनंदपुर साहिब में मुगलों के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही गोविंद सिंह जी ने गुरुओं की वंशावली को समाप्त कर दिया था। इसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना मार्गदर्शन बनाया। साथ ही इस दिन सिख लोगों ने अपना सरनेम सिंह स्वीकार किया था। यह भी इस दिन को खास बनाने के लिए एक कारण है। और सिख लोग सुबह गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और कीर्तन करते हैं। बैसाखी के पर्व पर कई जगह मेले भी लगते हैं। पंजाबी लोग इस दिन अपना विशेष नृत्य भांगड़ा करके खुशी मनाते हैं। बैसाखी मुख्य रूप से कृषि का पर्व मनाया जाता है। किसान अपनी पकी हुई रबी की फसल को देखकर खुश होते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन फसल के अलावा और भी कई बातें हैं जो बैसाखी से जुड़ी हुई है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी बैसाखी का बेहद शुभ एवं मंगलकारी महत्व है, क्योंकि इस दिन आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है और मेष संक्रांति भी मनाई जाती है। मेष संक्रांति के मौके पर पर्वतीय इलाके में देवी की पूजा पाठ करते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं।